हेलो फ्रेंड्स, जो कुरान है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, तो आज मैं आपके साथ में कुरान के रिगार्डिंग डिस्कशन करूँगा। द वर्ड कुरान हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुरा विच मीन्स टू रीड। द वर्ड कुरान विच इज़ द डिवाइन कम्युनिकेशन एंड रिवेलेशन टू द प्रोफेट ऑफ इस्लाम इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इट इज़ द पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ। इट कंटेन्स द revelation of the God to his prophet Muhammad through angel Gabriel. Thus, it embodied the very word of God as they were communicated to the prophet. The Quran in its present form is a book divided into the 114 chapters and consists of approximately 6,666 verses. The chapters were arranged under the personal direction of the prophet, who used to ask the scribe present to insert the revealed passage in a particular chapter. Thus, it is not arranged in a chronological order, not by oversight, but as commanded by the prophet. जो कुरान है वो एक डिवाइन कम्युनिकेशन है जो कि अल्लाह के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद को की गई थी, और बीच में जो जरिया थे वो एंजल गब्राइल। कुरान के अंदर 114 चैप्टर्स हैं और 6,666 वर्सेस हैं। वर्सेस जो हैं वो आयत को कहते हैं कुरान के अंदर। द वर्सेस ऑफ कुरान आर कॉल्ड आयत एंड द चैप्टर्स ऑफ द होली कुरान बुक आर कॉल्ड सूरा। नॉट मोर देन 200 वर्सेस आर कंसर्न्ड विद लीगल प्रिंसिपल्स एंड नियरली अबाउट 80 वर्सेस आर कंसर्न्ड विद मैरिज डावर डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस। द पोर्शन ऑफ कुरान विच वॉज डिस्क्लोज टू द प्रोफेट मोहम्मद एट मदीना इज कंसर्न्ड with legal principles and the portion of Mecca deal with the philosophy of life and Islamic religion. The Quran does not in any of its portions profess to be a code complete in itself. It was given to the world in fragments during a period of 23 years and it was never collected and arranged in the lifetime of the Prophet Abu Bakr, who succeeded the Prophet as Khalifa and died in 634 after a rule of 2 years. For the first time collected the various passages of Quran. Another 16 years elapsed and then Usman, the third Khalifa, ordered the second revision of the Quran in 650 AD, that is 18 years after the death of Prophet. It took the textual form in which we have it at the present day. तो क्या हुआ कि जो कुरान है वो एक टाइम में कंप्लीट नहीं हुई। कुरान को पैगंबर मोहम्मद ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें जो कि सिचुएशंस आई उनके रिगार्डिंग उन्होंने बताया, और दो अलग अलग जगहों पे मदीना और मक्का में अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब ने बातें कही। मदीना में जो कंसंट्रेशन था, मेन फोकस था, वो लीगल प्रिंसिपल्स के ऊपर था, और मक्का में फिलोसफी ऑफ लाइफ और इस्लामिक रिलीजन के रिगार्डिंग कहा गया। फिर उसके बाद में जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनकी डेथ के बाद में इसको कंपाइल करवाया गया, और फिर बाद में एक टेक्स्टुअल फॉर्म में इसे बनाया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।